अपना हमारा विधायक का महा मुकाबला का हमने इवेंट खेला था, उसमें मैं कैप्टन था। अच्छा जी। और कैप्टन की भूमिका मैंने वहाँ पे निभाई थी। अच्छा जी। और वह यूं था कि ज़्यादा हम चले नहीं थे। अच्छा, ये देखिए इसके साथ में और एक यहाँ पे हेल्पर थे, वो दोनों भाग गए, पता नहीं क्यों भागे यार। मेरे पास सारे लड़के में इतना खुश शक्त था। लाइफ का जो मेरा पहला काम था जब मैं 17 साल का था, बट जो आपका मतलब कंटेंट है उस हिसाब से तो मतलब मिलियन मिलियन जिनके है ना, मैं देखता हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग यार, ठीक हो? तो आज अपने साथ एक प्रॉब्लम हो गई यार। हमारे जो दो हेल्पर थे, डिशवॉशर था नेपाली और एक यहाँ पे हेल्पर थे, वो दोनों भाग गए, पता नहीं क्यों भागे यार। मेरे पास सारे लड़के में इतना खुश शक्त था, आपने देखा हुआ। और पता नहीं वो जहाँ पे पहले काम करते थे ना, पहले वो जैसे लोहा वगैरह टावर का नहीं उठाते हैं, वो ले जाते थे, कितना मुश्किल काम करते थे कि वो लोहा उठाना, 100-100 किलो का लोहा उठाकर उन्हें ऐसी चढ़ाई पे चढ़ना होता था। तो कल एक्चुअली मैंने ना वो जो अपने वो नहीं थे दूसरे मिलन दाई, उनको छुट्टी दी थी कल, उन्होंने छुट्टी दी थी तो वो घर गए थे जहाँ पे उनकी बाकी फैमिली यहाँ पे पास में ही रहती है। तो क्या हुआ, वो सुबह आया और दारू पी के आया, क्योंकि जहाँ पे उनका कोई ठेकेदार होगा, अब आपको पता चल रहा है कोई बंदा अपना काम निकालने के लिए क्या करता, क्योंकि पहले वही ठेकेदार को वो गाली दे रहा था और आज आकर कहने लगा कि वो ठेकेदार हमको ज़्यादा सैलरी दे रहा है, ये सैलरी दे रहा है। तो यार मेरी इजाज़त है, मैं ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करता, तो मैंने कह दिया चले जा रहे हैं। फिर मुझे बाद में पता चलेगा उन्होंने क्या क्या हरकतें की, वो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन चलो रहा जैसा भी जो भी था, बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। अब लेकिन थोड़ा सा बस प्रेशर अपने ऊपर है कि जब तक नए लड़के नहीं आते तब तक मुझे खुद काम करना पड़ेगा, और शेफ साहब तो अपने साथ है ही, है ना, ये तो पूरा सपोर्ट में है ना सर। लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं आ रही है, हम सब भी डटे रहेंगे। तो अगर आपकी नज़र में भी कोई हेल्पर हो और डिशवॉशर हो तो प्लीज़ यहाँ आए, ठीक है? हम लोग देखिए हमारे पास पूरा ऐसा है कि फैमिली वाला महान है, काम तो करना पड़ता है, काम तो कहीं पर भी करना पड़ता है, जैसे मुझे करना पड़ेगा, है ना। तो बने रहो आप इस वीडियो में, मैं थोड़े बर्तन धो लेता हूँ तब तक। छोटू भी आ गया, छोटू भी पूरी हेल्प करता है, बहुत मेहनती है शिवा। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। और जो मेरा लाइफ का जो मेरा पहला काम था जब मैं 17 साल का था, तो उस वक्त मैं बर्तन ही धोता था, लेकिन उस वक्त मैं बर्तन धोता था कसोल में। कसोल में एक रेस्टोरेंट था फ्रीडम कैफे करके, वहाँ पे मेरे 3 महीने बर्तन धोए। उसके बाद मैं चला गया था गोवा, गोवा में मैंने 2 महीने बर्तन धोए। उसके बाद मैंने एज ए हेल्पर भी काम किया, उसके बाद वेट एज ए वेटर काम किया। उसी काम को करते करते यहाँ पहुँचा हूँ, जहाँ भी आज हूँ। लेकिन कहते हैं ना पैर ज़मीन पे रख के आज भी नहीं शर्माता हूँ काम कर, ऐसा नहीं। यहाँ लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी ना, आपका भाई कोई भी काम कर सकता है। आज सबसे प्यार में और बड़ों के आशीर्वाद में, परिवार के आशीर्वाद में जहाँ पहुँचा है, कल अगर वहाँ ना भी हो नीचे भी आएगा फिर भी एडजस्ट कर लूँगा, फिर भी मेहनत करेंगे, फिर उठेंगे, क्या कहते हैं। और आज भी वही करेंगे, फिर मेहनत करेंगे, फिर उठेंगे, ठीक है? आप बने रहो इस वीडियो में, मैं ये बर्तन थोड़े धो लेता हूँ, बाकी शिवा कैमरा पकड़े हुए पीछे, है ना। ये बहुत मेहनती है शिवा। तो गाइस बाकी और कोई तो प्लीज़ आ जाए। दिक्कत ये है कि मुझे बर्तन धोने में प्रॉब्लम ये हो रही है, क्योंकि क्लीन चाहिए मुझे, ऊपर भी देखना पड़ता है, जिम में भी जाना पड़ेगा, अब यहाँ पर कोई धोते सीधा जिम में जाओ। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर। तो भैया जिम में आया हूँ अभी, बस जस्ट कैफे से फ्री हुआ। अच्छी बात है कि क्लाइंट इतने ज़्यादा नहीं थे आज, लेकिन फिर भी वर्कआउट करना भी ज़रूरी है। अभी क्या टाइम क्या हुआ है, पूरे 10 बज चुके हैं, ठीक है। मैं और मम्मी दोनों भी वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि अंश भी नहीं है, अंश के एग्ज़ाम्स थे, तो अंश 1 महीने के ब्रेक पे, तो 1 महीने बाद आ जाएगा अंश, बहुत अच्छा कर रहा था। लेकिन फिर भी अभी जितने भी क्लाइंट्स थे वो तो काफ़ी हद तक ट्रेन हो गए, वो लोग एक दूसरे की मदद करते जैसे मैंने आपको बताया था। लेकिन यार बहुत बुरा लगा मुझे आज काफ़ी ज़्यादा, कि यार इतना अच्छा करने के बावजूद भी बंदे भाग रहे हैं। एक होता है, मैं भी समझता हूँ यार, बहुत से
जगह पर ना ऑनर्स ऐसे होते हैं कि जो काम करने वालों की इज्जत नहीं करती, सबसे बड़ी इज्जत है यार रिस्पेक्ट। मैं तो इतना खुश रखता था यार, हमेशा कोई बोल नहीं सकता था कौन मालिक है कौन क्या है ना। मैं तो खुद को मालिक कभी नहीं समझता हूँ, जैसा भी हो बस काम कर रहा हूँ। और बस हम चेस्ट कर रहे हैं, चेस्ट लगाते हैं, वर्कआउट नहीं करना जरूरी है, बिना वर्कआउट नहीं कैसे होगा, काफ़ी दिनों से वर्कआउट भी नहीं हो रहा है, अब थोड़ी मेहनत करनी ज़रूरी है। बस फटाफट वर्कआउट खत्म करना है, उसके बाद बड़े बर्तन अभी मेरे लिए बाकी है, वो भी जाकर धोने वाले धोने पड़ेंगे। और उसके बाद कैफे में रेस्टोरेंट एरिया तो शिवा हैंडल कर रहा पूरा, बाकी जितना भी किचन में जो भी काम होगा क्योंकि मुझे ही करना पड़ेगा। तो यार कोई भी देख रहा हो तो प्लीज़ कोई हेल्पर हो, जो हेल्पर हो एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, तो प्लीज़ आ जाए जल्दी से जल्दी गांधीनगर पाइन कैफे, या मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकता है ना। चलो बॉबी टर्न जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बड़ा रोजाना रह गया, क्या करें भाई, बिजी थी बुंदरे वार बुंदरे ये बुंदरे नहीं बुंदरे उन्हें तो तैयार ही था उस्मान इंदे दाना। हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आप सब ठीक होंगे? यार आज बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है दो घंटे सोया हूँ मैं, क्योंकि रात में लेट वर्कआउट किया था। वो वीडियो मैं अभी डालूंगा, कल के कुछ क्लिप्स भी डालूंगा इसी में, वो देखना आप। तो रात में मुझे लगता है हम लोगों ने जब वर्कआउट किया, मैंने प्री वर्कआउट लिया 10 बजे हमने वर्कआउट करना शुरू किया, 11:30 बजे तक हमने वर्कआउट ख़त्म किया। उसके बाद तो आपको पता है प्री वर्कआउट के बाद तो नींद आने वाली थी नहीं, ऐसी आँखें रही मेरी बस खुली आँखें, हाय बस 3 बजे कैसे कैसे सोया और 5 बजे उठा, तो अभी जिम में हूँ। बाकी आज तो लॉन्ग डे होने वाला, लंबा दिन होने वाला, क्योंकि उसके बाद कैफे में भाई घिसाई करनी है, ठीक है। तो चलो तब तक की ब्लॉग जैसा भी है ऐसे रहने वाला, और कल वाला भी क्लिप्स है जो मैं नहीं डाल पाया था वो भी इसी में डालूँगा, ठीक है भाई। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार भाई, गुड मॉर्निंग भैया, कैसे हो भैया? हाँ जी भाई, आप कुछ नहीं बता कहाँ है भाई? हाँ मैं दूसरा तक आया है, देखो आप साथ में हो गए, मंडे से आप नहीं आए थे? हाँ मंडे से। अच्छा सोनू भाई जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सोनू भाई? फर्स्ट क्लास। दोस्तों आप लोगों को मिलवाता हूँ, आज ये है हमारे सोनू भाई जी, सर। मतलब मैं इनको जब पहनना, नमस्कार जी, नमस्कार इनको बोल रहे सर, हाँ दर्शकों को नमस्कार। जब पहली बार जब इनसे मुलाकात हुई सोनू भाई ने क्रिकेट की जर्सी पहनी थी और आज भी पहनी है। महामुकाबला जी जी, ये अपना हमारा विधायक का महामुकाबला का हमने इवेंट खेला था, उसमें मैं कैप्टन था। अच्छा जी। और कैप्टन की भूमिका मैंने बहुत पे निभाई थी। अच्छा जी। और वह यूं था कि ज़्यादा हम चले नहीं थे। अच्छा। नॉर्मल था कि दूसरा तीसरा मैच हमारा हार गया था। अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी, और बहुत अच्छे इंसान हैं, बस एक जो हमारे एक महानुभाव है वो नहीं आया अभी, आने वाले गस्ट। अच्छा, आने वाले अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, और वो दूसरे वाले जी कहाँ गए? संजय जी, संजीव सर। बहुत अच्छे नहीं वो तो, बिल्कुल आपको देखे देखिए तस्वीर देखिए कितनी, ये जो तस्वीर में देख रहे हैं बहुत अच्छी लग रही है जी जी सर जी, आपकी तो बिल्कुल लग रही है जी जी। ये अपना विधायक महाकुंभ का जो इवेंट हुआ था उसका उसी के दौरान हमें जो टीम सी उनको सभी को, ये 12th मैन थे, ये हमारे पानी वाली कोच थे, हमारे वहाँ पे पानी सर्व करते थे।
पानी वगैरह और जो भी है मैनेजमेंट। अच्छा जी, अच्छा स्क्रीन मिररिंग करके देखता हूँ काफी, मतलब अभी तो आपके देख लो 1.3 के मतलब फॉलोअर्स है, बट जो आपका मतलब कंटेंट है उस हिसाब से तो मतलब मिलियन मिलियन जिनके है ना मैं देखता हूँ, वो बंदे इस तरह का कंटेंट बनाते हैं। आप शुरू में इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हो, हाँ जी बहुत बढ़िया भाई, इन्हें पता ही नहीं कैमरा लगा रखा था मेरा नहीं बहुत बढ़िया, नहीं नहीं ऑन है मेरा कैमरा, वही तो ब्लॉगर का पता नहीं लगता कि कैमरा कहाँ है। सीधा टोरंटो, टोरंटो बोलते टोरंटो, टोरंटो बट मैं मॉन्ट्रियल में हूँ। मॉन्ट्रियल, 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 क्या बात है, मैंने तो सही बोल दिया भाई, मैंने पहले डर लग रहा था मैं नहीं बोल पाऊंगा। मॉन्ट्रियल, 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 बहुत प्यार है भाई से। अभी जैसे इंस्टाग्राम पे भी इनको इंस्टाग्राम में वेरीफाई किया है किया है भाई। अरे वो तो ऐसे एक महीने का शौक है, मैंने कहा रणवीर सिंह वाली फीलिंग ले लेते थोड़ी सी नहीं शौकीन है भाई, क्योंकि अक्कू ने मुझे सब कर लेते, मैंने कहा हम भी कर लेते हैं। अक्कू ने कहा भाई आपको कनाडा जाने की खुशी में पंजाब सरकार की तरफ से दिया गया। अक्कू सबसे बड़ा प्रैंकस्टर है। अच्छा अक्कू देख ले भाई, और बाकी पीछे बॉबी, बॉबी ने भी वेरीफाई करने के लिए देखो अभी भी कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि बॉबी फ्रॉम मजगांव और यार बाकी तो कुछ नहीं, अभी बस कैफे से ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ही करना पड़ रहा है क्योंकि काम का थोड़ा प्रेशर है, लेकिन कोई बात नहीं हम हैंडल कर लेंगे। मल्टीटास्किंग है, ये जिम ट्रेनर भी है, मॉडल भी है, शेफ भी है, व्लॉगर भी है, ट्रेवल फ्रीक भी है, बाकी पता नहीं अभी इतना ही पता है मेरे को, बाकी आप क्या क्या बोल रहे हो कुछ, बाकी दिल तो सबका जीत ही लेते हैं भाई, ये भी एक गारंटी है कुछ नहीं यार मैं नहीं। यही बात मुझे किसी ने कही थी भाई आप मॉडलिंग में कैसे गए, बिल्कुल आप अपना स्ट्रगल शेयर, हाँ, आपने नहीं, मेरे कुल्लू में भी कितने लोग इच्छुक होंगे जो मॉडलिंग में जाना चाहते हैं पर उनको एक वो ट्रैक नहीं पता लगता भाई, मैं कह रहा हूँ आओ अभी भी कह रहा हूँ इस वीडियो के जरिए भाई की एक फीस भी लो, अगर फीस फीस नहीं चाहिए मुझे जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, जिम ज्वाइन करो उसी में सिखा दूंगा, जितना मुझे आता सिखाना तो क्या जितना मुझे आता है मैं कोशिश करूंगा कि काम करूंगा, हाँ इतना मैं जरूर करूंगा, कहता हूँ कि जिसमें पोटेंशियल होगी वो, और मैं इतनी भी हेल्प करूंगा कि आपको एक अच्छी एजेंसी और अच्छे बुकर वगैरह से मिलवा दूंगा, कॉल पे बात करवा दूंगा, ज्वाइन भी करवा सकता हूँ उससे, आप ऐसे अगर किसी को आना है ना क्लासेस चाहिए मैं आप लोगों को फ्री क्लासेस दूंगा, बस जिम ज्वाइन करना है, जिम में आओ फिटनेस पे ध्यान दो और पूरी क्लासेस मेरी तरफ से रहेगी, ठीक है। ये उन्होंने अच्छा आइडिया दिया, मैंने पहले भी कुछ खाना खुद खाना पड़ेगा, हाँ भाई सब कुछ करके दे देंगे आप, ठीक है देख लो। और ये देखो अर्जुन भाई भी आ गए, ये बोलेंगे फोन तो उठाना नहीं अपने, नहीं वो अर्जुन को नाम पता लग गया आपका नाम महेंद्र है। अच्छा ये एक्चुअली दिक्कत पता क्या होती है गाइस, ऐसे मैं आपको बैंड नाम से जानते हैं ना, हाँ मेरा जो असली नाम है ना वो महेंद्र है, तो भाई को पहली बार तो इनको भी धोखा हुआ था यार कौन महेंद्र है भाई, जिम में किसने बुलाया सामान, क्योंकि यहाँ पे ना काफी लोग ऑर्डर करते हैं सामान तो जिम का एड्रेस डाल देते हैं ना काफी क्लाइंट, भाई भी आए बैठो, कितने पैसे सर, 480 इनका हमेशा पैसे ही भूल के जाते, पैसे लेते नहीं फिर बाद में भूल जाता हूँ शाम तक। तो देखो ईशान भाई क्या है इसमें, क्या है डायमंड बटन होता है, अरे यार इतना छोटा भेजा, चलो यार चलते हैं कैफे के तरफ, चलो ईशान भाई, तो एक्चुअली ईशान भाई भी एक दो दिन के अंदर चले जाएंगे, तो हम लोग अभी एक दो फोटोज फोटोज साथ में खींचेंगे यार, अब पता नहीं भाई कब आएंगे वापस, शायद 2 महीने 3 महीने 6 महीने, लेकिन बहुत बढ़िया रहा इनसे जब भी फिट हो गई यहाँ पे आकर, थोड़ा पेट बढ़ गया पर करेंगे आके थोड़ा कंसिस्टेंट हो जाएगा। चलो यार अब अंदर चलते हैं, इनसे बचा करो, ऐसा लग रहा है सीबीआई की रेड नहीं पड़ी होती,
ये कुछ नहीं है जो तो क्या हम लोग फोटो खिंचा रहे जल्दी महेंद्र भाई ये मत डाल जो रही कोई जानती हो सब कुछ आपका है भाई। हम ईशान भाई को बहुत याद करेंगे उनके जाने की खुशी में, खुशी में नहीं जाने के दुख में। चलो और भाई कैसे हैं? बढ़िया ठीक है जी। ओके बाय बाय। ठीक है जी। दो तीन क्लिप कट कर लेना ईशान भाई। ईशान भाई, ईशान भाई, ईशान भाई, ईशान भाई, ईशान भाई, ईशान भाई, ईशान भाई।